खजियार से वापसी अब वाया ओड़ा। एक नए रास्ते से पहली बार यहाँ से वापिस आ रहा हूँ। चलिए चलते हैं एक नए रास्ते से चंबा वापिस। यह ओड़ा विलेज, यहाँ से शायद अब कुछ किलोमीटर कच्चा रास्ता, यहाँ तक ढलान काफ़ी ज़्यादा थी। बताया था यहाँ पीछे ओड़ा में एक मेरी जान पहचान के मिले, उन्होंने बताया कि काफ़ी टफ रोड है, आगे काफ़ी गड्ढे हैं, पर देखते हैं कहाँ तक जाता हूँ, नहीं तो फिर वापस हो जाएंगे। सामने चंबा और ये जंगलों में आग लगाई हुई है लोगों ने। ऐसा ना करें क्योंकि गर्मियों का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हिमाचल की तरफ आते हैं और हम उन्हें देते हैं ये देखने में पहाड़ों को, जब वो आते हैं तो हम उन्हें दिखाते हैं ये धुआं। और ये ज़्यादातर चंबा में क्या सारे हिमाचल में ऐसा होता है, तो इसे ना करें। पर्यावरण दिवस देखिए हमारे यहाँ वाले कैसे मना रहे हैं। अच्छा खासा रास्ता चंबा का पक्का तो नहीं, सुरेश ठाकुर जी जाएंगे इन रास्तों से, इन्हें कहाँ चैन है। यह गड्ढे और इनमें हो रहा है ड्राइव। बिल्कुल सुनसान, कोई गाड़ी मुझे, कोई बाइक मुझे बड़ी देर से नहीं दिखाई दे रही है। और रास्ते में रुक रुक के प्लान करना पड़ रहा है कि कौन से रास्ते से जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, और ऊपर से ये पत्ते। शुक्र है कि यहाँ लोगों ने आग नहीं लगाई है, नहीं तो ये भी पूरा मुझे, मेरे जो पंगे लेने की आत्मा बोलती है ना, वो आज पंगे इसने कर देने थे वैसे तो। एनीवे फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ राम राम से। ये कोई गांव है और इसके बाद थोड़ा रास्ता मुझे पक्का नजर आ रहा है, देखते हैं पक्का है कि कच्चा है। रास्ते में ये पत्ते बहुत सारे हैं और खतरा ये है कि इनके ऊपर अगर एकदम से स्पीड जीरो कर दी तो टायर स्किट कर सकते हैं। एनीवे गांव कोई आसपास नजर आ रहा है और धुआं, यहीं साथ में पीछे आग लगी हुई है जिसकी वजह से अब जो सांस लेने में है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वैसे इतनी ज्यादा भी नहीं। चलते हैं अभी पीछे चंबा, बहुत करीब, ऐसी किसी राइड पे लगता है कि कितनी के दूर चंबा है, कितनी के दूर। यह सरोड़ी गांव, ये नहीं, ये तो चंबा है, ये है रास्ता कवर करने के बाद ओबड़ी के ऊपर ये गया सामने से खजियार रोड और यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अब मैं किसी को कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इस रास्ते से उतरें, पत्ते जिनमें कि आग लगाई जा सकती है या हो सकती है, गड्ढे, बजरी गड्ढे, मतलब मेरा अगर जितने भी किलोमीटर में चला हुआ तो उसमें से 80% गड्ढों में चलना पड़ा, और साथ में कई जगह मिट्टी है, अगर बारिश हो तो वहाँ पे स्लिप हो सकता है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि उसने बड़ा ही भयंकर एडवेंचर लेने की इच्छा है तो ऊपर से ना उतरे, नीचे से ज़रूर चढ़ने की कोशिश करें, लेकिन सिंगल बाइक रखें और सिंगल बाइक के ऊपर सिंगल चलें, दो तीन बाइक हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रास्ते में कुछ एक सुनसान एरिया है जहाँ पर भी पता भी नहीं है, मेरे अलावा किसी को पता नहीं था कि मैं आज इस रास्ते से उतरने वाला हूँ। अगर कुछ ऐसी वैसी कहीं पेड़ के नीचे घुस जाता तो पता ही नहीं चलता कोई यहाँ से गुजरा भी है। दो गाड़ियाँ मिली, एक बोलेरो और एक कार,
और कुछ भी नहीं था जो इस रास्ते पे मुझे आते या जाते मिला हो। तो एडवेंचर ठीक है बट रिस्क ना लें। अब मुझे तो आदत है लेने की, तो वो अलग चीज़ है। तो जारी रखें ऐसी यात्रा मेरे साथ। जय हो, जय हो।